माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज में आज हम लोग डेटा टूल्स के साथ काम करना देखते हैं। डेटा टूल्स के अंतर्गत टेक्स्ट टू कॉलम के बाद अगला ऑप्शन है हमारा फ्लैश फिल। यस, फ्लैश फिल की बात करें तो फ्लैश फिल ऑप्शन भी हमें एक रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली एक वे से फिल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे सपोज हमने एम्प्लॉई आईडी दे रखी है, एम्प्लॉई नेम, उसका जॉब, उसकी सैलरी और इस तरह से हमारा उनका पूरा डिटेल्स एक साथ। एम्प्लॉई आईडी E001, एम्प्लॉई नेम रितेश, उनका जॉब मैनेजर, सैलरी 50,000, E002 मोहित, अलग इनकी सैलरी भी कुछ अलग, E003 करते हैं, ये हैं सुमित, ये भी आपके क्लर्क और इनकी सैलरी भी अच्छा लग। यहाँ पे हमने एक टेबल प्रिपेयर किया है जिसमें हमने एम्प्लॉई आईडी, नेम, जॉब, सैलरी कुछ इस तरह से दे रखा है। अब हमें इसे अपने हिसाब से जैसे ही रिप्रेजेंट करें डिटेल्स में, कॉमा मैनेजर, कॉमा उनकी डिटेल्स, इस तरह से जिस फॉर्मेट में भी हमने डिटेल्स रखा हो, जैसे हमने डिटेल्स में एम्प्लॉई आईडी, कॉमा एम्प्लॉई नेम, कॉमा जॉब, कॉमा सैलरी इस तरह से स्पेसिफाई कर दिया। अब इसी फॉर्मेट में रेस्ट रिकॉर्ड्स को अगर हम मेंशन करना चाहें तो बस नेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्लैश फील्ड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली रेस्ट पार्ट में वो चीज़ें फिल हो जाएंगी। इस तरह से आप सपोज E004 लेते हैं, कोई और लेते हैं, मैनेजर हैं, इनकी सैलरी है, और फिर यहाँ आते हैं, आप फ्लैश फिल पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में ये फिल हो जाता है। उसी तरह से अगर आप चाहें यहाँ पे फ्लैश फिल में अगर आपने कुछ डिटेल्स दे रखा है और इनको आप अलग अलग फॉर्म में ब्रेक करना चाहें, EMP नेम, जॉब, सैलरी, तो भी आप इस डिटेल्स को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं और फिर यहाँ पे EMP आईडी में हमने E001, EMP नेम में रितेश, यहाँ पे मैनेजर, यहाँ पे हमने 50,000। इस ऑर्डर में अगर फिल करना, अगेन फ्लैश फिल पे क्लिक करते हैं, उस हिसाब से ये फिल हो जाता है। आप देखेंगे ये सारी चीज़ें फिल हो गई। सो फ्लैश फिल हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप एक फील्ड के रिकॉर्ड्स को आप प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाई कर ले, रेस्ट फील्ड्स पे वो रिकॉर्ड उसी फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा फ्लैश फिल की मदद से।